संस्कृत का सुभाषितानी पाठ पढ़ाने चल रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको पुरुषोत्तम रामा पाठ पढ़ाया था, आज सुभाषितानी पढ़ाने चल रहे हैं। ध्यान से देखिए। वर मेको गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख शतेरपि एकस चंद्रस तमो हन्ति न च तारा गणे रपि। बच्चों, जैसा कि बार बार बताते आ रहे हैं कि सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होता है, तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से, सुभाषितानी नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। वर मतलब श्रेष्ठ, एको मतलब एक, गुणी मतलब गुणवान, पुत्रो मतलब पुत्र, न मतलब नहीं, च मतलब और, मूर्ख शतेरपि, शतेरपि मतलब सैकड़ों, चंद्रस्तमो, बच्चों इसमें तीन शब्द है, एकस चंद्रस्तमो, एक मतलब एक, चंद्र मतलब चंद्रमा, तमो मतलब अंधकार, हंति मतलब नष्ट होना, तारा गणेरपि मतलब तारों का समूह। बच्चों इसका अर्थ है 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार से एक चंद्रमा संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है, लेकिन तारों का समूह नष्ट नहीं कर पाता है। मनीषिणी संति न ते हितेषिणी, हितेषिणी संति न ते मनीषिणी, सुहच्य विद्वानपि दुर्लभो नीणाम यथो औषधम स्वादुहितम च दुर्लभम। बच्चों संदर्भ हम आपको बार बार बताते आते हैं कि जो पहले श्लोक का था वही पूरे पाठ का संदर्भ होगा। हितेशनी मतलब कल्याण, मनीषिणी मतलब विद्वान, सुवच्य मतलब सहृदय, दुर्लभो मतलब कठिन, निराम मतलब मनुष्यों में, यथा मतलब जिस प्रकार से, औषधम मतलब औषधि। जो विद्वान है वह आपका कल्याण चाहने वाले नहीं हैं, जो कल्याण चाहने वाले हैं वह विद्वान नहीं है। सहृदय, मनुष्यों में सहृदय विद्वानों का मिलना उसी प्रकार से कठिन है जिस प्रकार से स्वादिष्ट और हितकारी औषधि का मिलना कठिन होता है। जो विद्वान है वह आपका कल्याण चाहने वाले नहीं हैं, जो कल्याण चाहने वाले हैं वह विद्वान नहीं हैं। मनुष्यों में सहृदय विद्वानों का मिलना उसी प्रकार से कठिन है जिस प्रकार से स्वादिष्ट और हितकारी औषधि का मिलना कठिन होता है। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसाद्यति यो लोकम तम लोको नु प्रसिद्धति। चक्षुषा मतलब नेत्र से, मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वाणी से, कर्मणा मतलब कर्म से, च मतलब और, चतुर्विधम मतलब चारों प्रकार से, प्रसाद्यति मतलब प्रसन्न, लोकम मतलब संसार। जो मनुष्य नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न करते हैं तो संसार भी उसे प्रसन्न करता है। अक्रोधेन जयत क्रोधम साधुम साधुना जयत जयत कदर्य दानेन जयत सत्येन चार्णितम।
बच्चों चौथा श्लोक है, ध्यान से देखिए। आ उपसर्ग लगा है तो क्रोधेन, बिना क्रोध के। जयत मतलब जीतना, साधु मतलब साधु, दानेन मतलब दान, कदर्य मतलब कंजूस, सत्येन मतलब सत्य, चानितम मतलब असत्य झूठ। क्रोध को शांति से जीतना चाहिए, दुर्जनता को सज्जनता से जीतना चाहिए, कंजूस को दान से जीतना चाहिए, असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। बच्चों अब आप आगे का देखिए। अकृत्वा पर संताप गत्वा खल मंदिरम अनुलघ्य सत्काम मार्ग यत स्वल्पमपि तद बहु। अकृत्वा मतलब ना करके, पर मतलब दूसरों को, संताप मतलब कष्ट, गत्वा मतलब जाकर, खल मतलब दुष्ट, मंदिरम मतलब घर, अनुलग्य मतलब उल्लंघन ना करना। अवसर्ग लगा उल्लंघ्य है तो उल्लंघन ना करना। सताम मतलब सज्जन, स्वल्प मतलब थोड़ा, बहु मतलब बहुत। दूसरों को दुखी ना करके, दुष्ट के घर ना जाकर, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके, जो कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए वह बहुत है। सत्याधार तपस्तेलम दयावर्ती क्षमाशिका अंधकारे प्रवस्ते दीपो यत्नेन वार्यताम। सत्याधार सत्य ही जिसका आधार है, तपस्तेलम तप ही जिसका तेल है, दयावर्ती दया ही जिसकी बत्ती है, शिखा मतलब लौ, अंधकारे मतलब अंधकार, प्रवेष्टव्य मतलब प्रवेश करना, वारिताम मतलब जलाना। सत्य ही जिसका आधार है, तप ही जिसका तेल है, दया ही जिसकी बत्ती है, क्षमा ही जिसकी लौ है, ऐसे दीपक को अंधकार में प्रवेश करके यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुर पुनम अहोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यम। त्यज मतलब त्यागना, दुर्जन संसर्ग मतलब दुष्टों की संगति, साधु मतलब सज्जन, पूर्ण मतलब पवित्र, दुष्टों की संगति त्याग देना चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। अपनी रात्रि को पवित्र करो, नित्य और अनित्यता का स्मरण करो। मनसि वचसि काये पूर्ण पीयूष पूर्ण स्त्रिभुवन उपकार शोणवि प्रणयंत पर गुण परमाणु न परवर्ती कृत्य नित्यं निज हदि विकसंत संति संत कियंत। बच्चों बार बार बताते आ रहे हैं कि आपका संदर्भ वही रहेगा, संस्कृत में प्रसंग नहीं होता है, बस एक संदर्भ ही होता है, आपको सीधे अर्थ ही लिखना पड़ता है। संस्कृत का संदर्भ बहुत सरल होता है क्योंकि उसमें आपको कवि और लेखक नहीं लिखना पड़ता है, बस आपको सीधे सीधे पाठ का नाम लिखना होता है। जैसा कि मैंने बताया, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से, सुभाषितानी नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। मनसि मतलब मन से,
वचसि मतलब वाणी से, काय मतलब शरीर से, पूर्ण पीयूष परिपूर्णा, पूर्ण मतलब पवित्र, पीयूष अमृत का पर्यायवाची है, परिपूर्णा मतलब भरे हुए, इस त्रिभुवन मतलब तीनों लोक, मुपकार मतलब उपकार, प्रियंता मतलब प्रसन्न करना, परगुण मतलब दूसरों के गुणों को, निज मतलब अपने, हदि मतलब हृदय, विकसनता मतलब प्रसन्न होना, संति मतलब है, संता मतलब सज्जन, कियंता मतलब कितने। जो मन से, वाणी से, अमृत से भरे हुए शरीर से तीनों लोगों को प्रसन्न करता है, दूसरों के परमाणु जैसे गुणों को पर्वत के समान बड़ा मानकर अपने हृदय में प्रसन्न होता है, वह सज्जन कितने हैं। बच्चों, आपका सुभाषितानी पाठ खत्म हो गया है, पीडीएफ और नोट्स गया हुआ है।